बिहार 24 के सभी दर्शकों को कन्हैया जी ठाकुर का नमस्कार। आज मैं आपके साथ हूं एक ऐसी खबर के साथ जो अन्नदाता से जुड़ी हुई है, जो किसान हैं, खेती करते हैं और फसल उपजाते हैं। यह खबर उनको ज़रूर देखनी चाहिए। उनके लिए यह खबर है कि कैसे अपनी पौराणिक खेती में कुछ परिवर्तन लाकर वो पहले से दोगुनी आमदनी कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। जीरो टिलेज से धान की सीधी बुआई कर किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी विधि से गेहूं की भी बुआई कर किसान खेत तैयार करने के खर्चे से बच सकते हैं। जीरो टिलेज से गेहूं की खेती का प्रयास झंझारपुर अनुमंडल में बीते 3-4 वर्षों से किया जा रहा है। अब धान की बुआई जीरो टिलेज से करके ज्यादा उत्पादन करने का एक प्रयास झंझारपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा मॉडल के रूप में किया गया है। अनुसंधान केंद्र ने 3 हेक्टेयर जमीन में धान के बिचड़े सीधे खेतों में डाले, पौधों की कटाई कर उत्पादन का आकलन किया तो यह पुराने पद्धति से धान की नर्सरी तैयार कर बुआई करने से कम लागत वाला प्रमाणित हुआ। उक्त जानकारी झंझारपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर दास ने न्यूज 24 को दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रयास हर स्तर से किया जा रहा है। इस बार अनुसंधान केंद्र ने बस स्टैंड के नजदीक कमला बलान बांध के पश्चिम अपनी 3 हेक्टेयर जमीन में धान की फसल की। यह फसल जीरो टिलेज विधि को अपनाकर धान के बीज को सीधे बुआई विधि से किया। इस विधि में धान का बिचड़ा बनाने और धान को उखाड़कर पुनः लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह विधि मिथिलांचल के उन क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान है जो बिचड़ा रोपते हैं लेकिन बारिश न होने अथवा अत्यधिक बारिश के कारण बिचड़ा के नष्ट हो जाने के कारण खेती नहीं कर पाते हैं या उनका खेत तैयार नहीं हो पाता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास ने स्पष्ट बताया कि इस बार की खेती में धान के राजश्री प्रभेद का बिचड़ा हमने मॉडल के रूप में लगाया था। कटनी में इसका परिणाम काफी सुखद रहा। कटाई के बाद 1 कट्ठा में धान की यह किस्म 100 किलो की दर से उत्पादित हुई है। उन्होंने बताया कि इस बीज को कृषि एवं बीज प्रक्षेत्र के निदेशक तिरहुत कृषि विश्वविद्यालय ढोली को भेजा जाएगा। वहां से इस धान को प्रसंस्कृत कर किसानों के लिए बीज के लिए पुनः उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विधि से खेती करने तथा कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन से धान की कटनी व दौनी करने में लगने वाला मजदूरी लागत बहुत कम आता है। प्रति कट्ठा यह रकम मात्र 170 रुपये आता है जिसमें मजदूरी भी शामिल है। इस विधि से किसानों को खूब फायदा होने वाला है। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार ने किसानों से अपील किया कि वे इस तकनीकी को अपना कर अपनी आमदनी दोगुनी से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इस विधि में विशेष किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। इस मौके पर वरीय शोधकर्ता आशुतोष यादव, वरीय तकनीकी सहायक धीरेन्द्र कुमार आदि तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसान जीरो टिलेज विधि अपनाकर अपने पूर्व के आमदनी को दोगुना से ज्यादा कर सकते हैं, जिसका मॉडल खेती करके यह झंझारपुर में प्रमाणित कर दिया गया है। धन्यवाद।